हर हर महादेव। केदारनाथ तुंगनाथ यात्रा बाय बस, अगर आप केदारनाथ और तुंगनाथ की यात्रा बस के माध्यम से करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से जुड़ा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह बहुत ही आराम से केदारनाथ के साथ साथ तुंगनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जून का महीना चल रहा है और यात्रा का पहला सीजन हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब जो दूसरा सीज़न है वो हमारा शुरू होगा सितंबर और अक्टूबर में। यानी सितंबर और अक्टूबर में आपको मई जून जैसा हाल मिलने वाला है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम के साथ साथ तुंगनाथ की यात्रा भी करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मैं आपको जो तरीका बताऊँगा बस के माध्यम से बताऊँगा कि आप बस के माध्यम से किस तरह केदारनाथ के साथ तुंगनाथ जा सकते हैं और आपका कितना टाइम वहाँ लगने वाला है और क्या आपको तुंगनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपको केवल केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तुंगनाथ जाने के लिए आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो बात आता है कि आखिर हम किस तरह केदारनाथ के साथ साथ तुंगनाथ की यात्रा करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको हरिद्वार ही आना होगा। आप कहीं भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। और फिर हरिद्वार आने के बाद आपको अगले दिन, देखिए अगर आप हरिद्वार जल्दी पहुंच गए तो हरिद्वार से आपको बस मिल जाएगी। पहली बस आपकी 5 बजे चलती है और लास्ट बस मॉर्निंग में 9 बजे की। 9 बजे के बाद कोई भी बस नहीं चलती है। तो आप कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके आप हरिद्वार पहुंचिए। अगर आप दोपहर को या शाम को हरिद्वार आते हैं तो आपको एक नाइट होल्ड अपना हरिद्वार में ही करना होगा और फिर आपकी जो यात्रा है अगले दिन स्टार्ट होगी। यानी फिर अगले दिन आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस में बैठना होगा और फिर सोनप्रयाग जाना होगा। तो यहाँ मैप के माध्यम से मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको लगभग कितना टाइम लगना है। यहाँ देखिए, हरिद्वार टू सोनप्रयाग मैंने सर्च किया है तो लगभग 8 घंटे दिखा रहा है। आप 9 घंटे मान के चलिए क्योंकि बीच में जो बस है वो 1 घंटे के लिए खाने पीने के लिए रुकती है, तो आपका लगभग 9 घंटे लगेगा। मान लिया आप 5 बजे चल रहे हैं तो 2 या 3 बजे के आसपास आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे। फर्स्ट डे आपका सोनप्रयाग होगा। आप चाहे तो सोनप्रयाग स्टे कर सकते हैं, आप चाहे तो गौरीकुंड स्टे कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा, आप गौरीकुंड स्टे करिए, लेकिन अब भीड़ की वजह से गौरीकुंड रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पहले गौरीकुंड जाके देखिए, अगर आपको रूम मिल जाए तो आप वहीं गौरीकुंड स्टे करिए। पहला दिन आपका गौरीकुंड हो जाएगा और दूसरे दिन आप फिर गौरीकुंड से अपना केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करेंगे और केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। तीसरे दिन आप केदारनाथ धाम से नीचे आएंगे। अगर आप 12 बजे तक भी नीचे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसी दिन अपना ओखी मठ या चोपता के लिए निकल सकते हैं। तो ओखी मठ और चोपता कितनी दूर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने गूगल पे लिखा है सोनप्रयाग ओखी मठ और चोपता, ठीक है। तो लगभग आप 3 घंटे मान के चलिए, अगर सपोज करिए 12 बजे भी पहुँच जाते हैं अपना सोनप्रयाग, 12 बजे भी आप तब पहुँचेंगे जब आप सुबह जल्दी ऊपर से नीचे आएंगे। आपका केदारनाथ से नीचे आने में लगभग आपका 5 घंटे लग जाता है। अगर आप 7 बजे भी चलेंगे, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लेट चले, सपोज करिए आप 9 बजे चले ऊपर केदारनाथ से नीचे, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक आप नीचे आएंगे। और फिर आप चाहें तो 2 बजे भी निकल सकते हैं, लेकिन 2 बजे थोड़ा ट्रैफिक की वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो लगभग आप 3 घंटे मान के चलिए। ये फ़िलहाल बाइक दिखा रहा है, हम यहाँ से कार कर लेते हैं, वही टाइम है आपका, ठीक है। लगभग 3 घंटे आपके लगने। और ये जो आपका रोड कटता है, ये आपका कुंद करके की जगह आती है, देखिए गुप्त काशी है, एक कुनकर की जगह आती है, यहीं से एक रोड करता है जो कि आपका ओखी मठ होते हुए चोपता जाता है। फिलहाल तो देखिए मैं ओखी मठ हटा लेता हूँ क्योंकि ओखी मठ से ये एक्स्ट्रा ले रहा है। लगभग आपका 3 घंटे का सफ़र है कहाँ का, चोपता का। तो आप अगर मान लिया 2 बजे तक भी आ जाते हैं तो फिर आप सीधा चोपता निकल जाइए। यानी आपका जो तीसरा दिन है आप चोपता लग जाएंगे। चोपता के आसपास काफ़ी जगह है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप जल्दी पहुंच गए तो ठीक है, वरना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है वहाँ रूम मिलने में। वहाँ एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट नहीं है। तो मैं तो फिर आपको यही सजेशन करूँगा, आप चोपता ना जाके आप ओखी मठ जाइए। ओखी मठ एक अच्छी जगह है जहाँ आपको आराम से रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। वैसे भी आपको देखिए जो तुंगनाथ की चढ़ाई है वो अगले दिन ही करनी है, तो आप चोपता ना जाके फिर ओखी मठ भी जा सकते हैं, ओखी मठ स्टे कर सकते हैं। तीसरा दिन आपका
ओखीमठ हो जाएगा, और चौथे दिन आप अपना ओखीमठ से ही प्राइवेट जीप के माध्यम से चोपता जा सकते हैं, और फिर पैदल ट्रैक करके चोपता से आपका जो तुंगनाथ का पैदल ट्रैक है लगभग आपको 4 घंटे में आप आराम आराम से पहुंच जाएंगे ऊपर, और फिर वहां से चंद्रशिला भी आप ट्रैक करके जा सकते हैं, और फिर वापसी आप 3-4 बजे तक आराम से वापसी आ सकते हैं, और उसी दिन आप अपना ओखीमठ आ जाइए। पहला दिन आपका हरिद्वार टू सोनप्रयाग, दूसरा दिन आपका सोनप्रयाग टू केदारनाथ, तीसरा दिन आपका केदारनाथ टू ओखीमठ, चौथा दिन आपका तुंगनाथ टू ओखीमठ, और देन 5वां दिन आपका ओखीमठ से हरिद्वार। तो केवल आपको 5 दिन लगने, 5 दिन में आप अपनी दोनों यात्रा कर सकते हैं, यानी केदारनाथ की यात्रा और तुंगनाथ की यात्रा दोनों कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो तुंगनाथ की यात्रा है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रैक देखने को मिलता है, पैदल ट्रैक है, लेकिन अगर आपने केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल कर रखी है तो आपको तुंगनाथ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम एक तो रूम की है, रूम नहीं मिलते, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ लाइट की है, लाइट भी वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आप अपने साथ जरूरी सामान साथ लेके जाइए, पावर बैंक वगैरह अपने साथ रखिए, और मोबाइल को जितना जरूरत हो उसी टाइम अपना खोलिए, या फिर आप एक्स्ट्रा मोबाइल भी अपने पास रख सकते हैं। अब तुंगनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, तो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगा कि आप वहाँ टेंट में रुकिए। अगर मान लिया आप ओखीमठ नहीं जाना चाहते तो चोपता में भी आप कहीं ना कहीं आपको टेंट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बट वहाँ लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपकी केदारनाथ और तुंगनाथ की वो यात्रा है जो कि आप 5 दिन में कर सकते हैं। और आपको सोनप्रयाग से देखिए प्राइवेट जीप मिलेगी, वहाँ से जीप चलती रहती है, तो आप जीप के माध्यम से चोपता जा सकते हैं, और फिर ओखीमठ से आपको कोई ना कोई बस हरिद्वार के लिए या फिर ऋषिकेश के लिए मिल जाएगी। आप सीधा वहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा केदारनाथ धाम के साथ साथ तुंगनाथ की यात्रा कैसे करें। अगर आपको तुंगनाथ से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए, केदारनाथ से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपकी तुंगनाथ यात्रा और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।